Sorry. Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description. Sorry, links hai niche description mein, please follow if you want to, of course. Namaste, this is Dvija aur kaise hai aap? Okay, so jab humne carry ka Shivam Malik ka roast kiya tha reaction. A lot of you guys did mention, abhi, I remember it, ki Thagesh has also done that, or wo bhi kafi time pehle, I mean, before Carrie did it, of course. And mujhe kafi saare DMs bhi aaye hain ki this is going to be even more fun and better than that roast. In no way, main compare kar rahi hu dono ko, dono ka style ekdam alag hai, aur mujhe dono ke videos hi dekhna pasand hai, right? Dono ke videos bhi dekhna pasand hai. However you say it. Okay. I enjoy both of their videos. Mane bande na videos itla j kame chhe. Just shuffled in the three languages that I know. Okay, thank you for letting me know ki ye bhi exist karta hai. To sabse maine ye recommendation mein dala hua tha. But finally ye video bhi aa raha hai. So, okay, all I'm hoping is to enjoy and laugh a lot. Mere dimag se abhi bhi na Joginder wala roast gaya nahi inka, because that has left a mark. उसमें ही जस्ट वेंट ऑल आउट. आई रियली होप दिस इज गोइंग टू बी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, आई डोंट नो, लेकिन मज़ा आएगा, ऐसा होप करते हैं. लेट्स जस्ट उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, लगता है होप करते हैं. फाइन, लेट्स जस्ट गो विदाउट से एनीथिंग एल्स बिकॉज आई एम गोइंग टू मेस अप प्लेइंग. लेट्स गेट इट. ओहो, मोटिवेशन सबको चाहिए जीवन में. मोटिवेशन सुबह उठ के जिम करना है, मोटिवेशन पढ़ाई करना है, मैथ्स के सम सॉल्व करने जो आगे जाके कभी लाइफ में काम नहीं आएंगे. मोटिवेशन लो, पैसे कमाने मोटिवेशन दो, 150 रुपया देगा. तो ऐसे एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, शिवम मलिक. इनके नाम की तरह इनके कॉन्टेंट में भी वेरायटी है. ये मोटिवेशनल और नॉलेजेबल कॉन्टेंट बनाते हैं. देखते हैं इनका कुछ मोटिवेशनल कॉन्टेंट. इमेजिन करिए कि बैंक आपको डेली 86,400 रुपए आपके खाते में डालता है खर्च करने के लिए, पर वो 24 घंटे बाद गायब हो जाएंगे. जैसे 50,000 आपने खर्च करे, बाकी के गायब हो गए, पर अगले दिन आपको दोबारा से 86,400 रुपए मिलेंगे. तो आप क्या करोगे? सारे इस्तेमाल कर लोगे ना अच्छे से? एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने दोगे ना? तो दोस्तों, आपको डेली 86,400 सेकंड मिलती है जो आप वेस्ट कर रहे हो. उन्हें इस्तेमाल करिए अपनी खुशियों में, अपनी हेल्थ में, अपनी तरक्की में, क्योंकि घड़ी का कांटा तेजी से भागता जा रहा है. लेट मत हो जाना. अच्छा तो है, लेकिन ये आइटम किधर सुनेला लगता है. मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है. ये देखो, इमेजिन इफ यू वेक अप एवरी डे $84,600 राइट, एंड एवरी डे यू गेट 84,600 सेकंड्स. Why waste time? Very disappointed भाई. ये खुद को ही motivate नहीं कर पा रहा original content बनाने. हम क्या, हमको क्या motivate करेगा? बच्चा है जो class में किसी भले भाले बच्चे का जोर ना जोर से बोल के खुद सारा credit ले लेता है. होता है ना आपके पास? तकलीफ पता है कब होती है? जब आप उसी इंसान को खो देते हो जिसके साथ कभी अपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे. सच्चिया मोहब्बत आने भावांगा. मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस देख रहे थे ना, यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा है दुनिया का सबसे ऊंचा होने वाला गांव, वहाँ पर ये बन गया है. कंटेंट तो फिर भी नीचे का ही बना है. भाई हमें मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि हमें दुख नहीं चाहिए, दुख ऑलरेडी है जीवन में. एग्जैक्टली. कोई पानी की बोतल खरीदता है बाहर से, तो ये जो ऊपर का बोतल का ढक्कन है इसको पहले ऐसे प्रेस करना है और इसके अंदर डाल देना है. ये इस वजह से डाला हमने कि अब कोई, जैसे हम इसे बाहर फेंकते हैं, कोई दोबारा से इस्तेमाल करके हमें पानी की बोतल पुरानी भर के नहीं दे सकता. अभी ढक्कन इसके बाहर नहीं निकल पाएगा, कितनी कोशिश कर ली जाए. आप भी ट्राई कर सकते हैं, निकलेगा. तुम्हें तो फांसी अगर ये सीन आपने पहले देखा है तो मैं बता दूं, इन्होंने पास्ट में जाकर टीवीएफ एस्पिरेंट्स के राइटर को ये सीन बताया था. कॉपी नहीं किया ये वाला सीन. ढक्कन को ऐसे दबा के अंदर डाल, अब ये बॉटल बर्बाद हो गई. या तो टीवीएफ के राइटर ने फ्यूचर में आके बताया, कॉपी नहीं है भाई. ये थोड़ा सा शॉकिंग है. साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने सपने में किसी को देखते हो, रात को सोते हुए अपने सपने में किसी को देखते हो, तो वो इंसान आपको रियल में देखना चाहता है. साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम सपने में किसी को देखते, आई एम गोना पॉज इट हियर टू से, सो जब मुझे भुवन का सपना आया था, दैट मीन कि वो मुझे देखना चाहता है.
How does that even make sense? अगर ऐसा होगा I'll be very happy. But that's not true and that's life. Remember मैंने इनके कैरी वाले वीडियो में बोला था कि एक दो चीज़ों में जो मैंने बोला था कि नो आई थिंक ही सेइंग वो करेक्ट है लेकिन वो उनका खुद का नहीं है बिकॉज आई हैव रेड इट इन मल्टीपल मोटिवेशनल कोट्स बिफोर. आई नॉट नो कि सभी चीज़ मोटिवेशनल कोट्स पे से ली गई है. रिगार्डलेस आई एम एन्जॉइंग इट बट आई मीन ये सुनाया सुनाया हुआ है. सब बोलते हैं कि अगर किसी का सपना आपको आता है तो वो आपके बारे में सोच रहा होता है सोच रही होती है. No. No. Okay. I have to just say that. वो इंसान रियल में हमें देखना चाहता है. अगर साइकोलॉजी ये कहती है ना तो लॉजिक भी ये कहती है. नहीं ना, मेरे सपने में शाहरुख खान आए थे. इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे को देखना चाहते हैं और मेरे साथ ट्राई नॉट टू लाफ करना चाहते हैं अनफिल्टर्ड पे. ये नहीं हो सकता ना. मोटिवेशन के नाम पे हक दो बस. आपने सोचा है कभी कि आपके पीछे अगर सांप पड़ जाए तो ये वाला था सांप आपके पीछे भागने लगे और आपको अपनी जान बचानी है तो आप क्या करोगे? या तो वो आपको काट लेगा वरना सांप पीछे भागता है क्या? मेरे को नहीं मालूम. मेरे को पता है एनिमल लवर होने के कारण सांप वगैरह को आप पैर रखोगे ओके उसको छेड़ोगे तब भी वो काटता है. सांप को मजा नहीं आता है काटने को. बतानी है तो आप क्या करोगे? तो वो आपको काट लेगा वरना आपकी लुंगी में घुस जाएगा तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना. देखो अगर आप भाग रहे हो आगे तो सीधी डायरेक्शन में भागोगे तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा आपको पकड़ना. तो जिगजैग कभी लेफ्ट कूदिए कभी राइट कूदिए फिर तो ऐसे वो कंफ्यूज हो जाएगा सांप. कोशिश करना कि जब भाग रहे हो तो ऊंचाई की डायरेक्शन हिल की डायरेक्शन में भागो. उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा. अगर आपने जैकेट पहनी है या आपने कोई टी शर्ट पहनी है या कुछ भी आपका बैग हाथ में तो उसकी तरफ वो फेंक दीजिए. उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. वो थोड़ी देर उसी के अंदर लगा रहेगा सांप और आपको भागने का मौका मिलेगा. अच्छा सांप सोचता होगा साला ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. बट भाई मैं तो लुंगी पहनता नहीं तो मेरे लुंगी में तो जाने का चांस ही नहीं सांप. क्या बोला तूने? तुम देख लो भाई तुम आराम तो पैंट पहनते और अगर आसपास हिल नहीं है तो मेरे पास जैकेट नहीं है तो सांप पीछे भाग रहे. शिवम भाई की वीडियो देख लेता हूँ. प्रो टिप लुंगी मत पहनो वरना आपकी लुंगी में सांप घुस. ये वीडियो है वैलेंटाइन डे स्पेशल. एक होते सिंगल एक होते बहुत ज्यादा सिंगल एक होते सिंगल अल्ट्रा प्रो मैक्स और एक होते वो जो मेरी वीडियो देखे. आईफोन है क्या? परेशान हो वैलेंटाइन डे पे तो एक काम करना भाई तो अपने सब्सक्राइबर्स की मजाक उड़ा रहे. शिवम भाई हमें इंस्पायर करो एक्सपायर नहीं. इंप्रेशन जमा बल्कि डिप्रेशन में डाल रहा है मेरे को ये अच्छा मोटिवेशन भाई. That hurts. वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं परेशान हो वैलेंटाइन डे पे तो एक काम करना कपल्स के पास जाके बोलना ओ यार पहले वाली ज्यादा अच्छी थी. अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो? तो मैं अपने घर के सामने वाले पार्क में घूम रहा था और मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है 12 साल का और बोल रहा था बेबी क्या प्लान है वैलेंटाइन के. यार हमारी तो शक्ल इतनी खराब है कि लड़की गुलाब तो छोड़ो मतलब सब्जी वाला फ्री में धनिया और मिर्च बिन देता. 4 से 5 दिन क्या उखाड़ लेंगे मेरा. शिवम भाई हमें दूसरों का दुख कम करना है खुद का दुख बताना नहीं है. भाई तो फ्लो फ्लो में खुद का ही दुख बताने लग गए. बट पता है ये सब क्यों होता है? That was not motivational at all. रुपए का रोज आएगा. प्रपोज डे पे 500 रुपए की रिंग आएगी. चॉकलेट डे पे 150 की चॉकलेट आएगी. टेडी डे पे 1500 रुपए का टेडी आएगा. प्रॉमिस डे पे 1000 रुपए लगेंगे रेस्टोरेंट में खाने में. हग डे पे घूमने फिरने में 1000 लगेंगे. किस डे पे 1000 रुपए का रूम और वैलेंटाइन पे खाने पीने से लेके सारी चीजों में 2-3 हजार तो लगेंगे. तो आप इन सारी मोहमाया से दूर है तो आप 8,430 रुपए बचा लेंगे. इन पैसों से अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदिए और उनके चेहरे पे जो मुस्कान होगी ना वो दुनिया में सबसे बढ़कर होगी. पिछले वीडियो में तो रो रहा था कि हम किसने बोला देना जरूरी है इट्स नॉट दोनों ऑडियंस चाहिए इसको. बहुत तेज हो रहा है ये मलिक साहब जो लड़कियों से दूर रहने बोलते हैं वो मलिक साहब जो दो दो लेकिन शिवम भाई डेटिंग एडवाइस आई डोंट नो हु मलिक ऐसे लड़कियों पे इंप्रेशन जमाए आपके लिए बहुत काम का है. मेरे सब मेरे को मालूम है सब सिंगल #सिंगल कमेंट्स. ये 6 आदतें देखी जाती है उन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती है और चाहती है डेट करना. लड़कियों को वही ज्यादा लड़के पसंद आते हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है हाथ में घड़ी जूते साफ होना अच्छे बाल होना. जो लड़के जिम करते हैं अपनी बॉडी को फिट करते हैं. मैं 6-pack abs की बात नहीं कर रहा. अगर आप लड़की से फ्लर्ट करोगे तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी नजरों में गिर जाओगे सिंपल रही है. जिन लड़कों का नेचर सीरियस सा होता है गंभीर सा होता है लड़कियों के पीछे नहीं भागते वो भीड़ से अलग होते हैं वो उन्हें पसंद आते हैं. जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं और कुछ बनना चाहते हैं. A few days later. भाई मेरी गर्लफ्रेंड पड़ गई फाइनली. Thank you.
अपनी 20 साल की एज में अगर आप ये चीजें करते हो ना तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये टाइम रिजर्व नहीं है डेटिंग के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, ये टाइम तुम्हारे लिए है। तुम्हें खुद को पहचानना है, समझना है खुद को कि क्या चाहिए तुम्हें सच में। अगर आप अपना सारा फोकस सिर्फ प्यार को ढूंढने में लगा दोगे इस एज के अंदर, तो बहुत कम अटेंशन दे पाओगे अपने पैशन को, अपने सपनों को, अपने दोस्तों को। तो ये जो अंबुजा सीमेंट की दीवार लगी पड़ी है ना, इसे तोड़ दीजिए अपने सामने से और जी लो अपनी जिंदगी। कौन सी सीमेंट? मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है। ओके बक शिवम भाई ने दूर हो जा मेरी जिंदगी। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, परेशान है आप, तो 7 ऐसे टिप्स हैं आपको दर्द से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ये फैसला करें जल्दबाजी में कि मूव ऑन कर लूं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, क्योंकि ये लास्ट टाइम से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। डिस्टेंस बनाइए, एक्स से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, सब चीजें याद रहेंगी और फिर दिल दुखेगा। बिजी रहो अपने फेवरेट काम में, अपनी हॉबीज पे फोकस करो, अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओ, कहीं घूमने का प्लान बनाओ। जितने गिफ्ट्स फोटोज सब मेमोरीज थी उन्हें फ्लश कर दीजिए, लव लेटर्स है उन्हें फेंक दो। भाई बस करो, मैं टूट चुका हूं, मैं करूं क्या, रिलेशनशिप में रहूं या नहीं रहूं, अब बताओ यार। कंफ्यूज फील हो रहा है ना, क्या बताऊं आपको यार। ये कुछ ऐसे साइन हैं कि आप अपने आप से ही दूर हो रहे हो। आप बीच बीच में नम फील करते हो, दिमाग सुन पड़ जाता है आपका। आप फील करते हो कि आपका कोई पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है इस जिंदगी में। दूसरों से डिस्कनेक्ट फील करते हो आप, अकेला महसूस करते हो अंदर ही अंदर। अपने दिमाग से एक जंग खेल रहे हो आप। सिर्फ एक ही चीज से आप सही हो सकते हो, सुबह 6 बजे उठ के दौड़ मारो, गहरी सांसें लो, दौड़ मारो तो सुबह 6 बजे उठ के दौड़ मारो। साले तू कम दारू पी, कुछ भी ज्ञान दे रहा है। चलो आदत तो आदमी को डिप्रेशन में यही डाल देता है, फिर निकालता भी यही है। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। है नमस्कार, इसकी ऑडियंस का मार्केट है, क्लास वा दे दो। अरे तो करे क्या, हम करे तो करे क्या। 12 महीने के लिए गायब हो जाओ इस दुनिया से, भूल जाओ सारी चीजें। और ये याद रखना, फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। सैटरडे संडे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो। इट्स अ वेरी इट्स टेकन फ्रॉम एवरी मोटिवेशनल कोच। सुबह 6 बजे से पहले उठने की आदत डाल लो और 8 घंटे की नींद जरूर लो। डेली एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फिट रहो। इनकम के बहुत ज्यादा 2 से 3 सोर्स बना लो अपनी जिंदगी में। 12 महीने के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर इनमें से 3 से 4 चीज भी आपने करनी स्टार्ट कर दी तो। गायब हो जाओ, किधर गायब हो जाओ भाई। 6 लिख रहा है, स्नैप वाला फोटो डाल देगा भाई, वापस आना है। बोलता 12 लिखता 6, मैं पागल हूँ। वीडियो पे लाइक 4 लाख, कंटेंट 2 नंबर का है और IQ। लड़कों के लिए 6 टिप्स जिससे वो और भी ज्यादा स्मार्ट लग सकते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस में ना मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। छपरी वाला स्टाइल छोड़ देना है आपको। ये उल्टी सीधे टी शर्ट कार्टून बन रहे हैं, फटी पुरानी जीन्स एकदम से सोड़ा योयो लग रहा। नहीं नहीं यार, एक सिंपल सी टी शर्ट, स्ट्रेप्स वाली शर्ट, नॉर्मल जितना सिंपल लोगे वो टच लगो। जो लूज वाली जीन्स आती है ना, आपने देखा वो पीछे से भी ऐसे लटक जाती है, ऐसा लगता है पॉटी कर दी बंदे ने, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। बैठे बैठे इसने पूरे हिप हॉप कल्चर के कपड़ों को डिस कर दिया, ऐसा लगता है पैंट में। लो वेस्ट लो रेस चीज बोलते उसको शिवम भाई, तुमको क्या मालूम स्टाइल यार। Let people dress the way they want. इंटरव्यू है तो उसे ना प्रेशर आएगा दिमाग पे यार, अच्छे से बाल काटने हैं, ये ट्रिक यूज कर। शिवम भाई बहुत भोले, इनको लगता है दुनिया बहुत भोली भाली है। बार बार को बोलूंगा नेक्स्ट वीक मेरा जॉब इंटरव्यू है, सर टकला कर दिया वाले साले, मेरा तो जॉब लगा नहीं, मैं इधर बाल तू जाएगा गंजा कर देगा। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है, सारे बार्बर अच्छे से ही काटते हैं भाई। और मैं तो बोलता भाई कभी बार्बर लोग ओनली सम मत, जिसके हाथ में कैंची और ब्लेड होता है ना, चाहे तुमको गंजा भी कर दे ओके बोल के आ जाओ। फोन दे रहे हो और आप चाहते हो कि वो इधर उधर ना करे सारी फोटोज को, तो हल्की सी ना जूम करके देना उसे फोटो। जब जूम करोगे ना वो इधर करेगा राइट स्लाइड या लेफ्ट स्लाइड, तो नहीं कर पाएगा। ये चीज अपने बाप से ट्राई कौन राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप देगा ना। इतना ही नहीं, शिवम भाई का ख्वाब था एक्टर बनने का बचपन से। आई डोंट गेट इट दो, वो लास्ट वाला पार्ट, बनूं हीरो बनूं, पर्दे पे आऊं, बड़े पर्दे पे आऊं, या दुनिया मुझे पहचाने कि ये शिवम मलिक है। मैं नहीं चाहता था कि मैं आम इंसान की तरह या एक नॉर्मल साधारण सा इंसान बन के ऐसे ही पैदा हूँ और ऐसे ही मर जाऊँ। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे पहचाने जाने। एक्टर तो हो, मोटिवेशनल स्पीकर होने की एक्टिंग अच्छी कर रहे हो। कहाँ मैं एडिट करूँ, कहीं वॉशरूम में चुपके एडिट करना, क्योंकि वो तो ठीक है बैंक के जॉब तो सही है, पर बीच बीच में मुझे अपनी वीडियोस का भी तो देखना था मुझे। अच्छा वीडियोस वॉशरूम में एडिट होती है, कहीं वॉशरूम में चुपके एडिट करना इतनी कट्टी की होती है।
और अगर आप देखें शिवम भाई के ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 4.5 मिलियन, तो इतने सारे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है देश में। शिवम भाई की पूरी गैलरी देखने के बाद मेरे को मोटिवेशन तो मिला है भाई, शिवम भाई ने मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया है। इसके वीडियोस देख के मेरे को फाइनली रियलाइज हुआ कि यार मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ यार, ये तो नहीं कर रहा यार मैं, सब्सक्राइब कर दो यार। एंड भाई बंदे को कोई हेट मत देना, वो चिल बंदा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है, फन के लिए वीडियो है। 30 मिनट गए, पहले 30 मिनट में जिसके भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं सारे कमेंट्स रीड कर रहा हूँ एंड लाइक दे रहा हूँ, फटफट कर दो। दैट्स इट वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओह नाइस, मैंने अभी कमेंट सेक्शन में देखा वो, आई एम गोना डू दैट नेक्स्ट टाइम, आई विल बी देयर 30 मिनट्स, आई डोंट नो, मे बी मुझे भी लाइक मिलेगा। ओके, थैंकफुली इसमें काफ़ी सारे और वीडियोस दिखाए गए थे जो हमको कैरी की वीडियोस में नहीं दिखने को मिले थे। लाइक आई सेड नो, मैंने उनके सारे वीडियोस नहीं देखे, ना कि मैं देखने वाली हूँ जाके, पर जितना भी मैंने देखा था ये उससे ज़्यादा। स्टिल आई डू स्टे ऑन द फैक्ट कि उन्होंने जैसे भी हेट्स का रिप्लाई दिया, दैट वॉज वेरी हम्बल एंड दैट वॉज अमेजिंग, गुड जॉब फॉर बींग और डूइंग दैट। अभी वो फेक करके किया जस्ट सो दैट वो अपनी इमेज बना के रखे, जो भी है गुड, एटलीस्ट ही मेंटेन्ड नो गुड डिसेंसी, अ लिटिल बट डिसेंसी इन दैट। बट द कंटेंट, सिंस आई एम द वन, मेरी ट्विटर देखो तो पूरा इन्होंने जो भी कोट्स बोले ना, सही वाले अच्छे वाले कोट्स, वो सारे ट्विटर पे, यू नो देयर दिस बिग अकाउंट्स जो ऐसी बुक्स में से सेल्फ तो वो क्या बोल रही हूँ मैं भी, ओके मेरा दिमाग घूम गया है, थोड़ा रुक जाओ। सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना, उसमें से जो निकले हुए कोट्स होते हैं, उसमें जो कोट्स आते हैं, दीस आर द कोट्स जो ट्विटर पे भी मिलते हैं आपको, पिंटरेस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, एंड ही सेज द सेम थिंग्स, लाइक लिटरल सेम थिंग्स, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज आई हैव सीन इट बिफोर, बट देयर आर सम व्हिच मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस। ठीक है, अभी वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, थैंकफुली वी गेट टू लाफ एट इट एंड जस्ट मेक आर डे, व्हाट एल्स, बट आई एंजॉय, होप यू डिड टू, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बेरीज, लव यू।